हेलो बच्चों, आज हम आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज आइए हम आपके लिए फिर से फिजिक्स का आज 11th का हमने एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन। और बच्चों साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं और वीडियो मिलते रहें और आपका जो भी है इस लॉकडाउन के दौरान आपका जो भी स्टडी है वो पूरा हो सके। तो आइए बच्चे हम देखते हैं सबसे पहले जो ये भौतिक जगत एवं मापन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, इसमें सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ना है साइंस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ब्रांच ऑफ साइंस, उसके बाद से फिर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, फिर क्लासिकल फिजिक्स के टाइप्स, मॉडर्न फिजिक्स के टाइप्स। तो आइए इसी तरह स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को। आज पहले टॉपिक से जिसका नाम है साइंस। देखिए साइंस क्या होता है, साइंस आप बचपन से पढ़ते आए हो एनवायरमेंटल स्टडीज के फॉर्म में लोअर क्लासेस में, फिर अपर क्लासेस में साइंस को फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलग अलग पार्ट है तो उसमें पढ़ते आए हो। तो बच्चे आप अच्छे से जानते भी होंगे कि साइंस क्या होता है क्योंकि आपको इसके बाद नीट, आईआईटी उसके लिए एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो इससे बहुत लेवल ऊपर जाने वाला है। तो उसके लिए ये जो बेसिक चीजें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी होंगी। तो आइए इसको समझते हैं साइंस क्या होता है। देखिए बच्चे साइंस द नॉलेज विच मैन हैज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि किसी भी ज्ञान को जब मनुष्य बहुत सारे प्रयोगों को क्रमबद्ध तरीके से करके अर्जित करता है उससे ज्ञान को क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। अभी साइंस का डेफिनेशन देखा हुआ, साथ ही साथ बच्चे देखिए जो साइंस वर्ड है वो एक हमारा लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड साइंटिया नाम से जनरेट हुआ है, साइंटिया से निकला हुआ है जिसका मतलब टू नो या जानना होता है, टू नो या जानना होता है, ठीक है, जानना। तो किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से किसी प्रयोग को करके मनुष्य जब किसी ज्ञान को अर्जित करता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं या फिर इंग्लिश में उसे साइंस कहते हैं। अब बात आएगी जो कि अब जो भी है आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, मोबाइल फोन है, ठीक है, या फिर आपको सर्जरी होती है, बीमार होते हैं, दवा खाते हैं, ये सब कुछ क्या आता है, साइंस के अंदर आता है। और ये साइंस का इतना ब्रॉड सिलेबस या ब्रॉड रेंज है तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस साइंस को दो भागों में इसको बांट देते हैं और पहला भाग जो है एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो आप बच्चे यहाँ देख रहे हो कि फिजिकल साइंस है और फिजिकल साइंस जो क्या होता है डील्स विद, फिजिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव जीवों के बारे में जिनके में जीवन नहीं होता है, निर्जीवों के बारे में जो अध्ययन कराता है उन्हें हम फिजिकल साइंस के अंदर रखते हैं। जैसे इसके अंदर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर बायोलॉजिकल फिजिक्स है, इसका कार्य क्या है, ये जीवित जो भी जीवित जीव है उनके पास में ये जीवित जीव है, जीवित जीवों के बारे में अध्ययन जो कराता है जैसे बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जो आता है उसके बाद से ये बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। तो बच्चे अब देखते हैं अब इस तरह अब आपको आज इस जो है हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर कवर करना, तो इसीलिए अब हम ये सारे नॉलेज के साथ साथ अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फिजिक्स। तो आइए देखते हैं कि अब फिजिक्स क्या होता है। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो यहाँ साइंस है, साइंस को फिर दो भागों में बांटा गया, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जो ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, निर्जीवों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जबकि ये लिविंग थिंग्स का स्टडी कराता है, लिविंग थिंग्स का। तो ये बायोलॉजिकल साइंस होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी कराता है, ये फिजिकल साइंस है, इसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ओशियन साइंस है इसके अंदर आ जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस है इसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी, आपका एंथ्रोलॉजी और भी जो है स्टडी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जो भी जीवन जिनके अंदर होगा वो बायोलॉजिकल साइंस के। तो बच्चे देखिए फिजिकल साइंस में अब फिजिक्स के बारे में हमको पढ़ना है, तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। अब आगे के टॉपिक में हम फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। देखिए बच्चे फिजिक्स इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं हिंदी में, भौतिक विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो भी चीज भौतिक जो चीजें हैं उनका अध्ययन जो कराता है इसे फिजिक्स कहते हैं। मतलब कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ
the study of nature and natural phenomena is called physics. देखिए बच्चों कि वो साइंस जो क्या है किसी भी चीज के क्या है भौतिक नेचुरल मींस मतलब प्राकृतिक या भौतिक प्राकृतिक फेनोमेना मतलब कि प्राकृतिक घटना जो कोई हो रही है विज्ञान में कोई घटना होती है तो उसे फेनोमेना कहते हैं प्राकृतिक घटना या प्रकृति के बारे में ठीक है प्रकृति के बारे में कैसी प्रकृति भौतिक प्रकृति के बारे में जो ज्ञान कराता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं और ये आपका एक यूनानी शब्द ग्रीक लेटर क्या है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस नाम के एक ये यूनानी शब्द से बना हुआ है फिजिक्स और फिजिक्स शब्द का जो मतलब होता है जिसके कारण जो इसका नाम फिजिक्स पड़ा है तो आइए देखते हैं कि ये जो फिजिक्स है फ्यूसिस है उसका क्या है क्योंकि ये जो फिजिक्स शब्द है वो फ्यूसिस नाम के शब्द से डिराइव्ड है और फ्यूसिस का मतलब होता है कि कोई भी जो फ्यूसिस का अर्थ होगा नेचर यानी प्रकृति फ्यूसिस का वर्ड क्या होता है नेचर शब्द के लिए ये फ्यूसिस शब्द यानी क्या है प्रकृति के बारे में जो ज्ञान कराएगा उसको हम फिजिक्स के अंदर रखते हैं और ये एक यूनानी शब्द है और इसी यूनानी शब्द से फ्यूसिस नाम से फिजिक्स का जनरेशन हुआ और फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं मतलब कि विज्ञान की वो शाखा जो किसी भी भौतिक चीज के बारे में या प्रकृति के बारे में या प्रकृति द्वारा या भौतिक चीजों के द्वारा घटने वाली घटनाओं का ज्ञान कराती है उसे फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहते हैं तो आइए बच्चों और आगे देखते हैं कि अब फिजिक्स के टाइप्स क्या होते हैं तो आइए हम फिजिक्स को क्लासिफाई करते हैं तो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तो आइए देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका फिजिक्स है ये देखिए पूरा ऐसे क्लासिफाई हो गया है एक क्लासिकल फिजिक्स दूसरा मॉडर्न फिजिक्स जो ये भौतिक जो ये है वर्तमान या फिर मॉडर्न कह सकते हैं इस समय का जो है प्राचीन फिजिक्स है या फिर प्राचीन भौतिक विज्ञान है और ये पुरातत्व है पुराना है तो इसमें जो क्या है अंटिल 1900 मतलब कि 1900 तक के जो भी फिजिक्स के जो भी उपलब्धियां हासिल हुई विज्ञान के अंदर उनका अध्ययन जिन्होंने किया जाता है वो इसमें ये क्लासिकल फिजिक्स का 1900 तक में हुआ और उसके बाद का जो भी है वो मॉडर्न फिजिक्स है क्योंकि उसके बाद जो भी तथ्यों का जो भी फेनोमेना का जनरेशन वो जो भी डिस्कवरी की गई वो सब मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये 1900 की जो भी चीजें हैं उसको इसके अंदर रखा गया है ठीक है उसके बाद से क्लासिकल फिजिक्स है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है एक है मैकेनिक्स है दूसरा थर्मोडायनेमिक्स है तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और फिर मॉडर्न फिजिक्स इसको दो भागों में बांटा गया एक है रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स तो आइए इनको भी समझते हैं एकदम शॉर्ट वे में आपको समझाएंगे बहुत ही इजी तरीके से तो आइए देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है देखिए कि कोई भी वस्तु जब कोई धीमी गति से वस्तु चलती है जैसे देखिए ये मार्कर है एकदम धीरे धीरे ऐसे मतलब एकदम बहुत धीमी गति से अगर कोई वस्तु चल रही है तो वैसे उसका जो गति का जब एकदम धीमी गति से धीमे चाल से अगर कोई वस्तु चलेगी और उसके गति का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों वो आपका कहलाता है मैकेनिक्स के अंदर उसका स्टडी कहलाता है तो उस स्टडी को कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं उसके बाद से किसी भी जो भौतिक वस्तु है निर्जीव वस्तु है उसके अंदर ताप में परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उसको हम अध्ययन करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं ठीक है उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि जो भी विद्युत या चुंबकत्व के गुण है जिनके अंदर समाहित होते हैं और इसका अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अध्ययन करते हैं उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स में दो है चीजें रिलेटिविटी है और क्वांटम मैकेनिक्स तो देखिए बच्चे रिलेटिविटी जो है रिलेटिविटी को हम समझते हैं कैसे जो आपका ये रिलेटिविटी हम क्या बताते हैं कि वो कोई वस्तु जो
किसके, प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से, गति के समान चलने वाली, गति के समान गति करने वाली वस्तु, प्रकाश की गति के समान अगर कोई वस्तु चल रही है, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर इसके स्पीड में कोई वस्तु चल रही है उसका हम अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिविटी कहते हैं, वो फिजिक्स का, वो जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है उसे कहते हैं रिलेटिविटी। प्रकाश की गति के समान गति से अगर कोई वस्तु चलती है उसका जिसके अंदर अध्ययन करते हैं वो है रिलेटिविटी। उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या कहते हैं, जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका जो अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं, उनके बिहेवियर के, उनके व्यवहार में जो चेंज आता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों देखिए फिजिक्स का पार्ट किया गया था, क्लासिफाई किया गया था दो पार्ट में, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें क्लासिकल फिजिक्स में आपका ये तीन पार्ट था, क्वांटम था, सॉरी मैकेनिक्स था और थर्मोडायनेमिक्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रिलेटिविटी है और क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चे साथ साथ आप नोट करते चलिएगा, आपको एक शॉर्ट नोट्स भी देते जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर और आप एक्स्ट्रा नोट्स चाहते हैं तो उसको नोट्स बना सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में आप प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो बच्चे फिजिक्स हुआ, आगे हम इसके टॉपिक देखेंगे कि साइंटिफिक मैटर एंड साइंटिफिक थ्योरी। तो देखिए साइंटिफिक मैटर और साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। तो बच्चे देखते हैं जो साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी, कोई भी जो साइंटिफिक मेथड क्या होता है किसी भी तथ्य को जानने के लिए, या फिर कोई भी जो हम लॉ या फिर कोई भी थ्योरी, जो कोई भी सिद्धांत जब हम बनाते हैं उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, तो वो आपके सामने ये तीन बातें हैं। देखिए पहला क्या है, टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम उसको क्या है क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही सिस्टम से उसके जितने बार बार जो भी उसके ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उनको क्या करते हैं हम उसको गौर से देखते हैं, उसको परखते हैं, और उसके बाद से क्या करेंगे दूसरा में काम करेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन प्राप्त किया है उसको क्या करेंगे उसको हम ध्यान से देखेंगे कि उसके अंदर क्या लॉजिकल बिहेवियर आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी एक कार है और ये कार यहाँ से चलना शुरू कर रही है, ये कार शुरू कर रही है, अभी ये कार यहाँ पे थी, मान लीजिए यहाँ पे कोई पोजिशन बना लिया जाए, एक सपोजिशन यहाँ पे प्लेस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक साइन है या फिर एक कोई पेड़ है, एक पेड़ के पास एक ये कार थी, धीरे धीरे कार अब ये क्या है कार यहाँ आ गई है, और हमने देखा कि अब ये कार यहाँ पे एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग के पास ये कार आ गई है इस बिल्डिंग के पास। तो देखिए ये बच्चे अब यही देखेंगे हम, यहाँ पे कार यहाँ पे थी एक सेकंड था, यहाँ पे कार थी एक सेकंड में, पांच सेकंड में कार यहाँ आ गई, दस सेकंड में कार यहाँ आ गई, तो यही जो चेंज हो रहा है इसी को क्या कहते हैं लॉजिकल बिहेवियर, लॉजिकल चेंज इन बिहेवियर, मतलब कि क्या एक टाइम के रिस्पेक्ट में पांच पांच मिनट में चार चार मिनट में वो जो कार है क्या है आगे बढ़ती जा रही है, अभी कार पेड़ के पास थी, फिर कार कहाँ चली गई घर के पास चली गई, बिल्डिंग के पास चली गई, तो यही जो लॉजिकल उसमें चेंज आ रहा है इसको ध्यान देना होता है। तो देखिए सबसे पहला तो ये पहला क्या था, एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लेना था, मतलब कि कार को देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया है, कार को देख रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया, कार चलना शुरू करिए धीरे धीरे चल रही है, फिर हम घड़ी को देखते रह रहे हैं कि हम एक सेकंड में कार यहाँ है, दूसरे सेकंड में कार यहाँ है, तीसरे सेकंड में कार यहाँ है, चौथे सेकंड में कार यहाँ है, मतलब कार एकदम ये क्रम से बढ़ते जा रही है। तो फिर वो कार को देखा हमने तो ये हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसे 10-15 कई ऑब्जर्वेशन हमने दिया अलग अलग समय में, तो ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आ गए, बहुत तरीके से उसको देखा हमने, उसके बाद से हम जितने भी ऑब्जर्वेशन आए उसको हमने ध्यान से क्या परखा पढ़ा, उसमें देखिए कि क्या चेंज आया उसके में, कि लुकिंग द लॉजिकल बिहेवियर, उसमें क्या लॉजिकल बिहेवियर है कि 5 सेकंड में कार यहां रह रही है, 5 सेकंड में कार इसके आगे चली जा रही है, नेक्स्ट 5 सेकंड में कार उसके और आगे चल जा रही है, मतलब कि इन चीजों को देखा, मतलब कि कार यहां है फिर 5 सेकंड में कार दूसरी जगह चली गई, फिर 5 सेकंड में कार तीसरी जगह चली गई, इन चीजों को ध्यान दिया। उसके बाद से तीसरा क्या है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट इज नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सजेस्टेड मॉडल, मतलब जो भी हमने मॉडल तैयार किया, जो भी हमने प्रारूप तैयार किया, वो हमारा प्रारूप जो भी हमने थ्योरी दिया कि हाँ कि ये जो कार है इसका गति होगा हर 5 सेकंड में ये चेंज हो जाएगा, अगर हर 5 सेकंड में ये चेंज हो रहा है तो ठीक है
हमारा जो प्रिडिक्शन था उससे वो मैच किया तो फिर वो थ्योरी बन जाती है, वो मॉडल मेथड बन जाएगा। लेकिन अगर 5 सेकंड में नहीं होता कि पहली बार 5 सेकंड में, फिर उसको 20 सेकंड का लग रहा, फिर उसको या फिर मतलब कि कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था कि हर 5 सेकंड में चेंज होगा, लेकिन हर 5 सेकंड में चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर हमारा साइंटिफिक मेथड या थ्योरी बनने के लायक नहीं होगा। तो ये 3 बातों को ध्यान रखते हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड या थ्योरी के जनरेशन में। तो आइए और आगे देखते हैं कि हमारा जो ये और आगे जो तथ्य है, जो भी जैसे देखिए अर्थ है, अर्थ को माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी, वहां से बिग बैंग थ्योरी, जैसे एक अर्थ को बिग बैंग थ्योरी से हम देखते हैं कि अर्थ कैसे बना है, मतलब जो अर्थ का जनरेशन कैसे हुआ, इस पे जीव कैसे आए, ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए, उनके बारे में जो है बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। तो आइए आपको आगे बताते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जब एक जो बहुत बड़ा एक एस्ट्रॉयड या फिर बहुत बड़ा आसमान से कोई एक टुकड़ा गिरा और वो क्या है कि आके बर्फ वो जो है समुद्र में गिर गया, और समुद्र में गिरने के बाद से क्या हुआ कि उसके अंदर मतलब बहुत सारा भाप निकला, वेपर निकला, जो एक बादल का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहां से बारिश हुई और फिर छोटे छोटे जीव का एल्गे और ये जो है जीवों का निर्माण हुआ, और इसी तरह करते करते जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते गया और वो आज मतलब हम इंसानों जैसे जीव और बहुत तरह के क्रिएचर्स धरती पर आ गए। मतलब कि ये कहने का बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर बताने का बस एक ये आशय था कि जो भी साइंटिफिक थ्योरी वगैरह जो भी आपका डेवलप होता है वो बनता है, वो किसी न किसी तथ्य को पहले प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो फिर वो चीजें आपको प्राप्त होंगी और इस तरह करके वो चीजें बढ़ती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, जैसे पहले जो था कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ वाज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ। जैसे बच्चों देखिए पहले मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे उनका मानना था कि जो धरती है वो एक पूरा फ्लैट है, वो पूरी फ्लैट है धरती, और यहाँ से जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे और कुछ समय बाद यहाँ से आकर ये नीचे गिर जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब कि इसके बाद जो अर्थ है या फिर वो धरती है वो समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद से जब आगे की थ्योरी जो जनरेट हुई और उसके बाद साइंटिस्ट ने डेवलप किया वो फिजिक्स के जरिए, तो फिर हमें क्या मिला, कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ। मतलब कि पहले जो था हमें ये अनुमान लगाया गया था कि जो अर्थ है ये क्या है कि एक फ्लैट सर्फेस है, ये एक फ्लैट सर्फेस है, यही अर्थ है, ये था पुराना था। और जबकि मॉडर्न में फिर से ये क्या जानकारी मिला कि अर्थ ये ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, एक स्फेरिकल है, ये अर्थ है, अर्थ कुछ ऐसे है, ये स्फेयर के फॉर्म में है, अगर ये हम जाते हैं तो वहां से फिर वो गोल गोल पूरा सा घूम सकते हैं। यहाँ पे ये न्यू थ्योरी के हिसाब से है, तो ये इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट सर्फ था और कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ, इससे ये चेंज हुआ। उसी तरह जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में पड़ी, मतलब कि जियोसेंट्रिक थ्योरी से ये मालूम था कि ये भू केंद्रीय, ठीक है, जियोसेंट्रिक मतलब भू केंद्रीय केंद्रीय सिद्धांत था, ठीक है, इसके जरिए से ये बताया गया था कि जो अर्थ है वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड का जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये ब्रह्मांड का, ये पूरा इसमें सोलर सिस्टम है, पूरे ब्रह्मांड में ये क्या होगा, ये सेंटर में है, और यहाँ पे सूर्य वगैरह जो है ये किनारे हैं, और ये बीच में जो है, ये बीच में है पृथ्वी, पृथ्वी बीच में है, ऐसा माना गया था। लेकिन जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई तो उसमें क्या क्या हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो सूर्य है वो क्या होता है, बीच में होता है, सन क्या होता है, बीच में ये होता है, सूर्य होता है, ठीक है, ये सूर्य होता है, सूर्य क्या होता है, बीच में, और बाकी जितने ग्रह होते हैं इसका चक्कर लगाते हैं, ये जो है और ग्रह है ये जो चक्कर लगाते हैं, ये प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगाते हैं प्लैनेट, ठीक है, तो ये जो है आपका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। तो इसी तरह जो भी है तथ्यों को लेकर और उसके ऑब्जर्वेशन को ये बहुत ही लंबे समय से बहुत ही अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन से क्या है हमें ये प्राप्त होता है, ये थ्योरी और ये जो मेथड्स हमको कैलकुलेट होते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं हम क्या कि ये स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का क्या स्कोप है उसको जानते हैं। देखिए बच्चे हम ये देख सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप है, ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप है, ये क्या करता है 10^-14 मीटर टू 10^26 मीटर टू कवर करता है, जो कि 10^ ये क्या है, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है एटम का, और जबकि ये साइज ऑफ क्या है, यूनिवर्स है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक इसका
साइज ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि इतना इसका विस्तार है, मतलब इतने बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब इसमें कैलकुलेशंस और उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर हम ये क्या है स्टडी करते हैं। वही बात एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात आएगी तो ये जो फिजिक्स के थ्रू है हम बहुत सारे फील्ड में जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। फिजिक्स है तो बहुत सारी चीजें आज हमारा पॉसिबल हो पाता है, जैसे मेजरमेंट ही है, जैसे अभी आगे हमको मेजरमेंट पढ़ना है, अभी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये कवर हो रहा है टॉपिक, आगे मेजरमेंट पढ़ना है। तो मेजरमेंट क्या है, इसमें बहुत तरीके से मेजरमेंट हम कर सकते हैं जो कि फिजिक्स के कारण ही क्या हुआ है। तो ये बच्चे देखिए ये जो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स के अंदर इतने जो चीजें हैं ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, इसके अंदर एसटीडी आईएसटी जो भी हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं, फैक्स है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, रोबोट है, स्मार्ट फोन्स हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बहुत सारे जो भी हैं, सर्जरीज में भी फिजिक्स का यूज किया जाता है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब एग्जांपल है जिसके थ्रू क्या होता है हमारे डेली लाइफ में क्या वो इजीली कोई भी तरीके से काम हो सकता है। एक छोटा सा है मतलब कि घर का दरवाजा हम खोलना है बच्चों, तो घर का दरवाजा जैसे हम खोलते हैं और दरवाजा खोलते हैं यहाँ से यहाँ पे क्या लगा रहता है हमने बेलन लगा हुआ है जिससे आसानी से वो क्या होता है लॉक हो जाता है, उसके ऊपर से एक हैंडल लगा होता है जिसके आसानी से उतना भारी जो दरवाजा पुश हो जाता है, या फिर स्क्रू ड्राइवर से किनारे पे वो जो है वो पेज से लगा हुआ है डोर लगा हुआ है जिससे कारण क्या हो आसानी से डोर खुल सकता है बंद हो सकता है। यही सब क्या है फिजिक्स के जो है एकदम ये फायदे कहिए या एक्साइटमेंट कहिए जिसके कारण ये जो हमारा डेली लाइफ का बहुत सारी चीजें जो है वो आसानी से हम उसे कार्य को कर लेते हैं। तो ये स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, आगे हम और भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए आज हम इतना ही टॉपिक रखते हैं और आपको उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और आप कवर भी कर रहे होगे साथ साथ फॉलो भी कर रहे होगे, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप तक ये पूरे के पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर आपको कवर कराएंगे विद नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स भी देंगे अच्छे जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको क्या आएंगे मदद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से आपके पास समय बहुत कम बचेगा, तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को आप जल्दी से शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और हमारे चैनल को व्यू करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी एक्साइटिंग वीडियोस आप तक ला सके। अगर आप जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर को बढ़ा देते हो तो हम लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर क्लास।